फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यूनिकॉर्न BS6 के बारे में फुल्ली डिटेल्स दूंगा। तो पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप आई बटन में देख सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं पहले आपको बात करता हूँ कि क्या क्या चेंजेस मिलने वाला है इस गाड़ी में। गाड़ी का वेट 6 kg रिड्यूस हो चुका है। एंड इसके साथ आपको पावर टू वेट रेशियो बहुत अच्छा मिलेगा, गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ खींचेगा पुराने BS4 वर्सन से। एंड इसमें जो चेंजेस है मेनली है मैकेनिकल चेंजेस, कॉस्मेटिक चेंजेस ज़्यादा नहीं हुआ है। तो मैकेनिकल चेंजेस में पहले ही आपको मिलता है एक अपग्रेडेड इंजन जो BS6 कॉम्प्लाइंट पे आता है। एंड इसका जो इंजन कैपेसिटी है, जो CC है, वो बढ़ चुका है 162 point something, मींस 163 CC का इंजन आपको मिलेगा, जिसके साथ आपका टॉर्क 1.2 Nm ज़्यादा मिलेगा। एंड जो पावर आउटपुट मिलेगा 12.92 PS का पावर आउटपुट मिलेगा। एंड इसी के साथ गाड़ी में और जो चेंजेस है, आपको अभी इंजन किल स्विच मिलेगा जो पुराने वर्सन में नहीं था BS4 वर्सन में। एंड इसी के साथ गाड़ी में आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा इस बार। एंड इसमें जो लुक्स वाइज गाड़ी पुराना BS4 जैसा ही है, लेकिन अभी गाड़ी में एक डिसएडवांटेज है जो प्राइसिंग के बाद बोले तो BS6 अपग्रेड होने पे ये गाड़ी का प्राइसिंग 13,000 rupees ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब ऑन रोड आपको अभी गाड़ी 1,15,000 से लेके 1,20,000 तक प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। गाड़ी के कलर की बात करें तो गाड़ी आपको तीनों कलर में मिलेगा, दो ग्लॉसी कलर मतलब रेड कलर, ब्लैक कलर एंड एक ग्रे कलर मिलेगा, मैटी ग्रे, जो आपको मैट कलर में मिलेगा। अगर मतलब इसमें आपको ऑप्शन है कि आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, कलर के मामले में प्राइसिंग का कोई डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, पहले इंजन के बारे में बात करते हैं। इंजन इधर आपको 4-stroke एक SI इंजन मिल रहा है जो BS6 कॉम्प्लाइंट पे आता है, जो कम मतलब एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है। एंड इसी के साथ इसका इंजन कैपेसिटी है 162.7 CC का। मतलब गाड़ी पहले जो CC था वो 150 CC का था BS4 वर्सन में, अभी इसका इंजन कैपेसिटी बढ़ चुका है, तो आपको टॉर्क एंड पावर आउटपुट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। पावर की बात करें तो गाड़ी आपको 12.91 PS मतलब 9.5 kW पावर मिलेगा एट 7,500 RPM। एंड मैक्सिमम टॉर्क जो है 40 Nm टॉर्क डेवलप करेगा एट 5,500 RPM। एंड इसमें जो सिस्टम लगा है होंडा इको टेक्नोलॉजी, जो हर गाड़ी में होता है होंडा का, वही फिर टेक्नोलॉजी है। एंड इसी के साथ इसमें आपको पंप मिलेगा, मतलब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। इसमें आपको प्रोग्राम्ड FI मिलेगा, जैसे आपको Sign SP में मिलता था वही सेम है। गाड़ी के डायमेंशंस की बात करें तो इंजन डायमेंशंस की, बोर है 57.3 mm एंड इसी के साथ स्ट्रोक है 63.1 mm। ओके, एंड इसी के साथ गाड़ी जो मतलब इंजन वाइज परफॉर्मेंस है, गाड़ी 60-70 के बाद इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है, नहीं तो गाड़ी बहुत ही कंफर्टेबल राइड करता है ना। इसी के साथ कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो गाड़ी का कंप्रेशन रेशियो 10 ± 0.2:1 है। मतलब इसके आप कैलकुलेट कर सकते हो रिच मिक्सर एंड लीन मिक्सर। एंड इसी के साथ आपको किक वर्सन एंड सेल्फ वर्सन दोनों ही मिलेगा। एंड इंजन के बाकी बात करें तो इंजन आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा, इसका टॉर्क अच्छा है तो गाड़ी पिकअप भी अच्छा लेगा। एंड इसी के साथ इसका जो माइलेज परफॉर्मेंस है, होंडा क्लेम कर रहा है कि होंडा इको टेक्नोलॉजी के साथ ये गाड़ी 55 से 60 का माइलेज आपको लोकल में देगा इकोनॉमी कंडीशन पे। एंड गाड़ी का जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो पावर आउटपुट एंड जो ट्रांसमिशन है बहुत ही स्मूथ हो चुका है, वाइब्रेशन एंड स्ट्रेसेस बहुत कम हुआ है अभी। नेक्स्ट डायमेंशन की बात करें तो गाड़ी का जो व्हील बेस है, या फिर आप बोल सकते हो कि दोनों व्हील के बीच में जो डिफरेंस है, वो है 1335 mm मतलब 1335 mm का व्हील मतलब व्हील बेस मिलेगा, जो आपको रोड में एक अच्छी पकड़ देगा। एंड उसी के साथ आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में मिल रहा है, 187 mm का एक ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है। गाड़ी को आप कहीं पर भी चढ़ा दो, मतलब गाड़ी आराम से निकल जाएगा। एंड इसका टॉर्क भी बहुत अच्छा है। गाड़ी का वेट है 140 kg, जो पुराना वर्सन से 6 kg रिड्यूस हो चुका है। एंड इसी का सीट, इसका जो सीट बहुत ही कंफर्टेबल एंड लेंदी है, 715 mm का लंबा सीट आपको मिल रहा है। एंड इसी के साथ जो सीट हाइट है वो है 798 mm का सीट हाइट आपको मिलेगा। एंड जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है वो है 13 L का, आपको बड़ा फ्यूल टैंक का कैपेसिटी इसमें मिलता है। एंड गाड़ी का जो ओवरऑल लुक्स है वो आप पुराना वर्सन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा मतलब मैट कलर में आने के बाद स्पेशली ये कलर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो टायर्स की बात करें तो फ्रंट में आपको SP जैसा ही 80/100 सेक्शन का टायर मिल रहा है, लेकिन रियर टायर का वेट बहुत ज़्यादा है। मतलब 100/90 सेक्शन का आपको एक अच्छा ट्यूबलेस टायर्स मिलेगा, जो आपको अच्छी रोड ग्रिप के साथ लॉन्ग लास्टिंग MRF टायर्स मिलेगा। एंड इसी के साथ गाड़ी में आपको फ्रंट में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सिंगल चैनल मिलेगा। एंड रियर में आपको ड्रम ब्रेक वर्सन ही मिलेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। दोनों ब्रेक में आपको फ्रंट में जो ब्रेक है वो 240 mm का डिस्क ब्रेक, एंड रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक ही मिलेगा।
सस्पेंशन सिस्टम इस गाड़ी का बहुत ही अच्छा है। इंडिया में पहली बार मोनोसॉक इसमें ही आया था, इसी गाड़ी में, एंड मतलब कम्यूटर बाइक में। एंड फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क एंड रियर में आपको मोनो सस्पेंशन सिस्टम मिलेगा जो एडजस्टेबल है। एंड इसी के साथ गाड़ी का बाकी जो परफॉर्मेंस है एंड राइडिंग एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आप टेस्ट राइड लेके देखिए। एंड गाड़ी में बाकी फिफ्थ गियर बॉक्स ही है, वेट मल्टीपल क्लच जो होता है वही रेगुलर वर्सन ही है। एंड इसमें आपको जो इंजन से एग्जॉस्ट सिस्टम है BS6 के कारण कैटलेटिक कन्वर्टर उधर मिलेगा। लाइटिंग की बात करें तो गाड़ी में आपको पुराना मतलब BS4 जैसा ही हेलोजन बल्ब फ्रंट में एंड रियर में भी बल्ब टाइप की मिलेगा टेल लाइट। एंड उसी के साथ आपका जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर स्पीडोमीटर है वो मैनुअल एनालॉग टाइप का ही है, उसमें आपको RPM स्पीडोमीटर एंड इसी के साथ एक्स्ट्रा जो है वो आपको इंजन माल फंक्शन लाइट जो BS6 में हर बाइक में होता है वही मिलेगा आपको। एंड इसी के साथ स्विचिंग की बात करें तो स्विचिंग ओवरऑल सेम ही है। एंड इसमें आपको एक्स्ट्रा जो फैसिलिटी मिल रहा है वो है इंजन किल स्विच जो होंडा को पहले ही देना चाहिए था, अभी होंडा ने अपग्रेड कर दिया है BS6 वर्जन में। एंड गाड़ी का जो राइडिंग कंफर्ट है वो बहुत ही अच्छा है, आप टेस्ट राइड लेके देखो। कम्यूटर बाइक के हिसाब से डेली यूज़ के लिए ये बाइक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा मतलब, एंड माइलेज भी ऑल्सो अच्छा देगा क्योंकि BS6 में इसका माइलेज आउटपुट बहुत अच्छा है प्रोग्राम डेफाई आने के बाद। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए मैकेनिकल बाई चॉइस को फॉर मोर अपडेट्स। लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। ओके।